नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। आज की इस बेंजो वाले लेसन पे मैं आपको बताऊंगा कि अपने बेंजो को हम सुरीला कैसे बजा सकते हैं। और अगर आप बिना डीले के बेंजो सीख रहे हैं तब तो यार मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिना डीले के आप बेंजो मत सीखिए। अगर आप 10-15 हजार का बेंजो खरीद रहे हैं तो ये जो स्ट्रेंजर क्यूब बॉक्स आता है आपको अमेजोन में अवेलेबल हो जाएगा या किसी भी म्यूजिक शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। इसका मॉडल नंबर C15 है और ये बेस्ट है अगर आप घर में सीखना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसी क्यूब बॉक्स का और बेंजो का मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं कि हम बिना डीले के कैसे सीख सकते हैं और डीले के बाद हम कैसे सीख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने बेंजो को सुरीला कैसे बजा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा क्या चीज मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिना डीले के ये बेंजो जो है कैसे बजता है। तो बिना डीले के ये बेंजो जो है ऐसे बज रहा है, अब यहाँ पे हम सरगम बजाएं, सारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिना डीले के जब हम बेंजो बजाते हैं तो बेंजो का जो क्वालिटी 100% होना चाहिए वो घट करके 10% ही हो जाता है, क्योंकि डीले ही मेन मुद्दा है बेंजो पे, ठीक है। अगर हम डीले नहीं देते हैं तो बेंजो मजा नहीं आता। हाँ, हालांकि पहले जब बेंजो बुलबुल तरंग जब पहले आया था तो बिना डीले के ही बेंजो बजाया जाता था, बाकी आजकल के जो गाने में बेंजो जो है डीले के साथ यूज हुआ है तो डीले के साथ ही बजाने में मजा आता है। जैसे कि आप किसी भी बैंड पार्टी में या धुमाल में बेंजो बजते सुनते हो तो आपको लगता है कि ऐसे बेंजो मैं भी बजाऊं, और वो डीले का भी कमाल रहता है, ठीक है। एक DD3 करके आता है, वो डीले भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हम आपको क्यूब बॉक्स में कैसे हम अच्छा बजा सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा। तो यहाँ पे जो जेक मैंने बेंजो से लेके गया वो क्यूब बॉक्स में प्लग इन किया हुआ है, ठीक है। और कोई भी डीले का यहाँ पे उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्यूब बॉक्स को कैसे सुरीला बजा सकते हैं, बेंजो को क्यूब बॉक्स में कैसे सुरीला बजा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम इको थोड़ा खोलते हैं यहाँ का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिना डीले के बजाने में और डीले के साथ बजाने में क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इको ओपन करते हैं अपने क्यूब बॉक्स का, और जैसे ही इको ओपन होता है तो थोड़ा भजन बजाते हैं, एक मिल करे भगत हो आरती, अब इसको हम अगर बिना डीले के बजाएं तो कैसे बजेगा। तो ये मजा नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हमें बेंजो बजाते वक्त डीले का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीले, हमने फिर ओपन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि डीले के साथ बजाने में और बिना डीले के साथ बजाने में क्या घाटा है क्या नुकसान है उसके बारे में बात करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप देख रहे हैं ना क्यूब बॉक्स उसकी मैंने क्या क्या सेटिंग करके रखा है, कैसे सेट करके रखा है पूरा भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे उसको आप सेट कीजिएगा ताकि आपसे अच्छा बजे बेंजो, ठीक है। झाला का भी क्वालिटी हम देखते हैं इको के साथ, ये बिल्कुल वीणा की तरह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी उपयोग कर पा रहे हैं डीले के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है बिना डीले के अगर हम बजाएं तो। ये जो झनकार आना चाहिए वो झनकार आ नहीं पा रहा है, ठीक है, ये आना चाहिए। झाला का क्वालिटी तभी आपको दिखेगा, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि बिना डीले के बजाने में और डीले के साथ बजाने में क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो यहाँ पे हम एक गीत बजाते हैं डीले के साथ, ठीक है। ये जो तेरी पायलों की छनछन है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आशिकों के दिल की ये धड़कन है। ये मैं कर रहा हूं, ये डीले है तभी, और ये डीले के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर डीले हमारा ऑफ हो जाएगा तो ये डीले अगर नहीं रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है यार बजाने में। तो डीले के साथ बजाइए तो फिर अच्छा बजेगा। और यहाँ पे जो ट्राइपॉड लगा हुआ है कैमरे के साथ, वो ट्राइपॉड मेरे ही तरफ आ गया, इसीलिए मुझे थोड़ा बजाते नहीं भर रहा है। बाकी और भी लेसन मेरे बेंजो की जो डाले है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा बेंजो बजता है। यहाँ पे मैं आपको क्यूब बॉक्स के सेटिंग के बारे में बता रहा था, तो चलिए मैं आपको क्यूब बॉक्स को भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने सेट करके रखा है। और ये क्यूब बॉक्स का इको आप इतना खोलना, ट्रेवल इतना ओपन करना, देखते हैं एक बार कितना कितना मैंने ओपन किया था यहाँ पे। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को दिखाते हैं आपको। तो ये जो इको डेप दिखा रहे हैं वो ओपन हुआ है हाफ, और डिले टाइम भी हाफ, बेस भी हाफ है, मिड हाफ से हल्का सा ऊपर, ट्रेवल हाफ से हल्का सा ज्यादा ऊपर है। और ये जो दोनों आप बटन देख रहे हैं इसको तो कुछ मत करना, ठीक है। ये वॉल्यूम का है, जब भी बेंजो बजाओ तो गिटार वाले ऑक्स में आप लगाना, ठीक है। ऑक्स नीचे दिखा रहे उसमें मत लगाना, गिटार वाले में प्लग इन करना तो ज्यादा अच्छा बजेगा, ठीक है। और मेरा स्ट्रेंजर, ये जो क्यूब बॉक्स है इसे मेरे को खरीदे हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गया, एक बार भी ये रिपेयरिंग नहीं मंगा है। हालांकि थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम आई भी है तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्यूब बॉक्स है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन में, आपको आराम से मिल जाएगा। कोई भी शॉप में, म्यूजिक शॉप में भी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने सेट करके रखा है ये आप भी सेट कर लीजिए, आपसे भी बेंजो बहुत ही अच्छा बजेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या सेट करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने बेंजो पे अच्छे से ही इस चीज को सेट कर सकते हैं। बाकी और ज्यादा आपको इको चाहिए तो क्या करें, ये जो इको है इसको थोड़ा सा अप कर देंगे और डिले टाइम को थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो और भी ज्यादा इको आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाले ऑक्स में जब भी आप डालेंगे तो ये जो इको का है ना, ये इको का है, ठीक है। तो इसको हम दबा के रखेंगे ऐसे तब वो इको देगा, नहीं तो अगर ये अप रहेगा ऐसे तो फिर वो इको नहीं देगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो इको वाला लाल बटन दिख रहा है ना, इसको डाउन करके रखेंगे तब इको देगा। चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।